जय हिंद दोस्तों, आप सभी को डीप स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ऐसे क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं जो मेरा बीपीएससी में काम आएगा, बिहार एसएससी में काम आएगा, रेलवे ग्रुप डी दे रहे हैं, चाहे जहां भी काम दे रहे हैं एसएससी दे रहा हूं, हर जगह काम आएगा। कोई टीचर जल्दी नहीं पढ़ाते, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, और हो सकता है पढ़ाए होंगे लेकिन हमको तो नहीं लगता है, जैसे तैसे कट मार देते हैं, लेकिन मैं बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम ईजी, दिक्कत नहीं होगा, एकदम ईजी हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने सेशन पे आते हैं। समझना है, ध्यान देंगे, थोड़ा सा पॉइंट को समझना बेसिक है, लेक्चर थ्योरी लेक्चर ही हम पाठ है, लेकिन समझना एकदम ईजी हो जाएगा, कोई चीज हार्ड नहीं है। चलिए देखिए, श्रेणी जो होता है ना वो तीन प्रकार का होता है। श्रेणी को अनुक्रम भी बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं तो अनुक्रम हो जाता है, श्रेणी बोलते हैं तो क्या हो जाता है, सीरीज बोलते हैं तो श्रेणी हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, तीन प्रकार के होते हैं, कौन होते हैं, एपी होता है, जीपी होता है और एचपी होता है। तो आज हम लोग एपी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, समानांतर क्रम बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, समानांतर क्रम, या समानांतर श्रेणी बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, या अर्थमेटिक सिक्वेंस भी बोल सकते हैं। उसी को शॉर्ट में यहाँ से ए ले लेते हैं और यहाँ से इसको पी ले लेते हैं, क्या बन जाता है हमारा, एपी बन जाता है। तो कैसे पकड़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन वहाँ लिखा है एपी जीपी लिखा नहीं रहेगा, एचपी लिखा नहीं रहेगा, कैसे हम पकड़ेंगे कि क्वेश्चन एपी में है या जीपी में या एचपी में, या कैसे समझेंगे समानांतर क्रम में, हम समानांतर क्रम पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट को समझना है तो ध्यान देंगे। देखिए कैसे पकड़ेंगे, सब क्वेश्चन जो है समानांतर क्रम में है, ये हमारा प्रश्न समानांतर क्रम है, समझेंगे। जब दो पदों के बीच कॉमन डिफरेंस, जब दो पदों के बीच कॉमन डिफरेंस यानी दो पदों का अंतर सदा समान हो, तो समझ जाएंगे जो दिया हुआ क्वेश्चन है, दिया हुआ सीरीज है, दिया हुआ जो प्रश्न है हमारा किसमें, एपी में है। एक एग्जाम्पल समझते हैं फिर इजी हो जाएगा, ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, तीन ले लेते हैं, पाँच ले लेते हैं, सात ले लेते हैं, नौ ले लेते हैं, ग्यारह ले लेते हैं, समझिएगा इस बात, इस पॉइंट को समझना फिर इजी हो जाएगा, इस पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग समझेंगे, ध्यान देंगे, इसको समझिएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल लेते हैं, अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं, अगला पद कौन है, तीन है, इसका अगला पद कौन है, तीन है ना, तीन में से एक गया तो कितना बच गया, दो, इसका अगला पद कौन है, पाँच है, पाँच में से घट गया तीन, कितना बच गया, दो, इससे अगला पद कौन पद, सात है, उसी घटाएंगे तो हमारा सब दो मिलेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है सदा समान है, कॉमन डिफरेंस इसमें भी दो का अंतर है, इसमें भी दो का, इसमें दो का, इसमें दो का, इसमें दो का, और नोट कर सकते हैं, यानी पकड़ लीजिएगा, क्या भाई साहब दिया रहेगा तो समझ जाएंगे कौन सा क्वेश्चन है, समानांतर क्रम का, ये एपी का क्वेश्चन हमारा है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होना चाहिए। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बहादुर समझिएगा कैसे क्या हो रहा है, जैसे ध्यान देंगे, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, ध्यान देंगे कैसे लेते हैं, यहाँ पर एक ले लेते हैं, इसको समझिएगा, जीरो समझते हैं, माइनस एक समझते हैं, माइनस ये माइनस तीन समझते हैं, कॉमन डिफरेंस, अब समझिए कौन सा सीरीज में है, कौन सा प्रश्न किस श्रेणी में है, ध्यान देंगे, कॉमन डिफरेंस कितना का है, माइनस एक का है, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना का है, माइनस एक का, यहाँ कितना है, माइनस एक का, यहाँ कितना है, माइनस एक का, बोलिए कैसे से इसको हम नहीं समझेंगे माइनस एक का, तो बताए थे अगला पद में से पिछला पद को घटाते थे, जीरो से घटा देंगे एक घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस एक, इससे घटेगा ये घटेगा तो माइनस एक में से माइनस जीरो जाएगा तो कितना होगा, माइनस एक होगा। फिर बताते हैं माइनस दो में से कौन जाएगा, माइनस एक जाएगा, आगे तो माइनस तीन इसके लिए लिखेंगे घटाने के लिए, आई प्रश्न ये भी क्वेश्चन माइनस में है तो माइनस एक लिखेंगे, माइनस दो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बराबर कितना आएगा, माइनस दो आ जाएगा, आएगा ये सॉरी माइनस एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, माइनस एक आ जाएगा, कितना आएगा, माइनस एक आ जाएगा, गलती लिख दी, कोई बात नहीं है, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, माइनस एक लिख देंगे। चलिए अगला ये भी घटाएंगे तो वही बात मिलेगा, जैसे हम घटा देते हैं माइनस तीन, आप घटाने के लिए तो माइनस लिख में करेंगे, एगो माइनस भी माइनस में है तो माइनस दो लिखेंगे, माइनस तीन माइनस दो प्लस दो हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, माइनस एक आ जाएगा, इतना करना नहीं, डेट देख लेना है कि क्या है, माइनस एक अंतर, यानी सब हम बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है या जो सीरीज दिया हुआ है एपी का क्वेश्चन है, पकड़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कैसे घुलाएगा, ध्यान देंगे, बहुत डराएगा आपको, लेकिन डरना नहीं है, जिनका बेसिक नहीं है वो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं बेस आ जाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ध्यान देंगे, ऐसे लिख देगा ए प्लस थ्री, ध्यान देंगे समझेंगे, समझ जाएगा, कोमा कर देगा ए प्लस कर देगा पाँच, कोमा कर देगा ए प्लस सात, कर देगा ए प्लस नौ, कर देगा प्लस कर देगा सॉरी कोमा कर देगा, अब निकालना है मैटर फंस गया, तो कुछ नहीं, कितना का अंतर है, यहाँ पे दो का है, दो का है, दो का सीरीज दो का अंतर जा रहा है, यानी समझ लेंगे ये सीरीज का तो खत्म हो जाएगा, इससे केवल समझेंगे इसमें खाली डिफरेंस देखते जाइए कितना का है, दो का, यानी समझ जाएंगे सीरीज जो दिया हुआ है हमारा किसमें है, एपी में दिया हुआ है, समानांतर क्रम में दिया हुआ है, कितना एग्जाम्पल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पल समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देंगे, अब एक ध्यान देंगे इसको क्या समझना है, एक फार्मूला है उसको हमेशा याद रखिएगा, उस
फॉर्मूला को पढ़ याद कर लिया समझिए पूरा खत्म हो गया बीजेपी, याद नहीं। एनवा पद फॉर्मूला होता है, एनवा पद के आगे बता रहे हैं, एनवा पद डीएन बराबर होता है ए प्लस होता है एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसको एकदम रट लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, इसी पर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। कभी ई निकालना कहेगा, कभी ई निकालने के लिए कहेगा, कभी ई निकालना के लिए कहेगा, कभी ए निकालने के लिए कहेगा। हमारा पास फॉर्मूला है तो कुछ भी निकाल लेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ सीख लिख देते हैं, यहाँ पर टी एन बराबर क्या होता है, टी एन बराबर होता है एनवा पद होता है, ध्यान देंगे क्या होता है, टी एन बराबर होता है एनवा पद क्या है, आगे बताते हैं। एनवा पद होगा या अंतिम पद भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कभी अंतिम पद लेंगे कभी एनवा पद लेंगे, समझेंगे। ए बराबर होता है पहला पद, सीरीज का क्या होगा, पहला पद क्या होगा, ये पहला पद होगा, क्या होगा, पहला पद होगा, ध्यान देंगे। एन बराबर होता है, ध्यान देंगे, एन बराबर भी एनवा पद लेते हैं, एनवा पद लेते हैं या पदों का क्रम लेते हैं, कौन सा जगह पे वो आएगा, पदों का क्रम लेते हैं, ये आगे समझ में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, डी बराबर क्या होता है, सर्वांतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, इसको बोल सकते हैं सर्वांतर, सर्वांतर बोलेंगे या पदों दो पदों का अंतर बोल सकते हैं, पदों का अंतर भी बोल सकते हैं, दो पदों का कर्मागत पदों का अंतर या पदों का अंतर जो शॉर्ट लिख देते हैं, समझ में आ गया। इस पॉइंट को समझना है तो समझिए हमारा इजी हो गया, खत्म हो गया इसी पे एपी जीपीसी पर, क्या हो गया, एपी खत्म हो गया, पूरा का पूरा आंसर जो भी देखेगा चुटकी मारेंगे ऐसे करके करेंगे वो आंसर होते चल जाएगा। चलिए तो मेरे साथ खाली बोल देंगे फॉर्मूला है, बोलिए एनवा पद टी एन बराबर, मेरे साथ बोलिए एनवा पद टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर से बोलिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, फिर से बोलिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए फिर से बोलिए ए बराबर क्या हो गया, पहला पद, जहां से सीरीज शुरू होगा, ए बराबर बोलिए पहला पद, एन बराबर क्या हो जाएगा, अगर टी एन बराबर बोल दीजिए, टी एन बराबर हो गया अंतिम पद या एनवा पद, समझ में आ गया, ए बराबर हो जाएगा पहला पद, एन बराबर क्या होगा पदों का क्रम या एनवा पद, समझ में आ गया, समझ, चिंता नहीं करिए। डी बराबर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस या पदों का अंतर, इतना हो गया तो खत्म हो गया। आप एक एग्जाम्पल लेते हैं समझिएगा, देखो एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा, ध्यान देंगे, फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, अब एग्जाम्पल लेते हैं समझिएगा, एग्जाम्पल लेने बाद जैसे यहाँ ध्यान सीखेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं तीन है पांच है सात है नौ है कॉमा डॉट डॉट है, कहा पूछ देगा, कहा पूछ देगा, कहा बारहवा पद ज्ञात करें, कहा बारहवा पद कौन सा होगा, एग्जाम्पल कौन सा, आपको ऑप्शन दिया रहेगा वहां में रहेगा निम्नलिखित में कौन सा होगा, कोई बात नहीं, तो पकड़ना है सबसे पहले, कुछ नहीं होगा समझना है, हमको पहले समझना है कि सीरीज कौन सी में दिया हुआ है, नहीं तो नहीं बनेगा परीक्षा में, गलती करके आएंगे, ये पकड़ना है क्वेश्चन दिया हुआ है नहीं लिखा हुआ है, वहां लिखा रहेगा मैट्रिक एग्जाम देंगे तो लिखा रहेगा कि प्रश्न हमारा समानांतर क्रम में है, इंटर के देंगे वहां लिखा रहेगा कि एपी में है क्वेश्चन, वहां दे देगा आपको, यहां नहीं देगा आपको, समझना है बात, ये कितना का अंतर है, दो का दो का दो का, हम समझ गए कौन में दिया हुआ है, एपी में दिया हुआ, समानांतर कॉमन डिफरेंस दोनों पदों का समान है, तो देखने के बाद ही देखेंगे पता ही चल जाता है, देखिए कितना का दो का अंतर है, दो का अंतर है, दो का अंतर है, समझ गए क्वेश्चन किसमें है, हम समझ गए फॉर्मूला कौन लगेगा, वही लगेगा टी एन बराबर, क्या लगेगा फॉर्मूला पढ़े हैं, टीएन बराबर क्या पढ़े हैं, टीएन बराबर पढ़े हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना पढ़े हैं, जिसमें ए हमको पहले चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए टीएन चाहिए, पहले क्या चाहिए टीएन, टीएन बराबर कितना है अंतिम पद कितना है बारहवा पद का बारह हो गया, ए बराबर क्या लिखा था पहला पद, जहां से सीरीज शुरू होता है तो पहला पद कौन हो गया तीन हो गया, ये समझ में आ गया। अब एन बराबर क्या होता है, एन बराबर क्या होता है एनवा पद, एनवा पद कितना है बारहवा पद, एन बराबर बारह ही देखो यहाँ बारह ही रखाएगा, टोटल नंबर ऑफ पद होता है टी के मतलब, टी के मतलब क्या होता है, चलिए कुल पद बारह है, चलिए कहां पर पदों का क्रम लिंग आगे आएगा, डी बराबर होता है कॉमन डिफरेंस दो पदों का अंतर, कितना का अंतर है देखिए, दो का अंतर है दो है, क्या फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगा देंगे सेट कर देंगे, ये आपको मालूम हो गया बहादुर, तो हमको क्या निकल जाएगा टी एन बराबर टी बारह बराबर हम बोल सकते हैं, टी बारह बराबर बोल सकते हैं, ए कितना है तीन है प्लस एन कितना है बारह, बारह में से एक चल गया, डी कितना कॉमन डिफरेंस कितना का है दो का है, देखिए कुछ नहीं फॉर्मूला खाली है, कभी ये आपको निकालने का है, कभी ये निकालने का है, कभी ये निकालने का है, यही खत्म हो गया होगा, एक यही है, तो जो देगा ये वो नहीं देगा तो उसको निकाल लेंगे हम कैलकुलेशन करके, इतना बराबर सीधे बोल सकते हैं कि घट के ग्यारह ग्यारह दूनी का बाईस, बाईस या तीन कितना होता है पच्चीस, हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत है, यहाँ से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा ग्यारह ना, ग्यारह दूनी के बाईस, बाईस या तीन पच्चीस, यानी बोल सकते हैं कि बारहवा जो पद होगा पहला दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवा पद पे जो आएगा पच्चीस संख्या है, दिक्कत है, एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर शॉर्ट में बनाकर डायरेक्ट हमको दिखाइएगा, क्या करिएगा बना के दिखाइएगा। चलिए अभी मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन समानांतर क्रम में, क्या लिख देते हैं समानांतर क्रम में, रेकर्ड समझिए एपी में दिया,
कोमा 8 कोमा 13 कोमा 18 कोमा डॉट डॉट का इतना डॉट डॉट एक सेकंड डॉट 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 का 15वां पद याद करें। ये 15वां पद कौन सा होगा? ऑप्शन मत दिया रहेगा तो लिखेगा, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे आंसर। हम देख बना बनेले फॉर्मूला दिमाग में टी 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 15 बार बार टी 15 पढ़े ए ए कहता हूं कि ए प्लस एन माइनस वन एन कितना है 15 एन माइनस वन इंटू टी टी कॉमन डिफरेंस कितना का देखिए 5 का है यानी 5 देख भी सकते हैं कॉमन डिफरेंस कितना का है 5 का है कितना हो गया 14 25 70 70 73 यानी हम बोल सकते हैं कि 15वां पद जो आएगा 15वां जगह पद जो आएगा वो कितना संख्या आएगा 73 आएगा। डेट्स पकड़ लीजिएगा परीक्षा में, ये को बेसिक से बता दिए तो फिर लिखिएगा ए बराबर 3 लिखिएगा तीन बराबर 15 लिखिएगा एन बराबर फिर 15 लिखिएगा डी बराबर कितना का अंतर है 5 का तो लिखिएगा। समझ में आ गया, ये को बता दिए। कभी कभी क्वेश्चन इसको ऐसे घुला देगा, ध्यान देंगे क्वेश्चन ऐसे घुलाएगा तो कोई दिक्कत डरना नहीं है, आगे हम बताएंगे, चिंता नहीं करना है, थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है। आज बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास करेंगे, देखिए एडवांस में ऐसा होता है कुछ है नहीं। चलिए ये क्वेश्चन होने का फाइनल क्वेश्चन लिख देते हैं, ध्यान देंगे, लिख देगा कि यदि यदि श्रेणी क्या हो समानांतर क्रम में, समांतर क्रम में यदि श्रेणी समांतर क्रम में हो जिसका पहला पद, ध्यान देंगे ऐसा रहेगा जिसका जिसका पहला पद, ध्यान देंगे जिसका पहला पद 8, ध्यान देंगे जिसका पहला पद 8, ध्यान देंगे समांतर पद देख देगा सर्वांतर, सॉरी सर्वांतर दे देगा, इसे मान लेते हैं सर्वांतर बराबर दे देता है 12 दे दीजिए, कुछ ले सकते हैं 3 ले लेते हैं, 3 हो तो पूछेगा तो, ध्यान देंगे तो 15वां पद कौन सा होगा, 8वां पद कौन होगा, 12वां पद कौन होगा, तो 12वां पद कौन सा होगा, तो 12वां पद निकालना है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, समझाने के प्रयास करें। अब यहाँ आपको दे चुका ऑलरेडी, ए बराबर कितना दिया हुआ है, पहला पद दे दिया कितना 8 दिया है, डी बराबर क्या दे दिया है, डी बराबर 3 दे दिया है, टी एन बराबर निकालना है, टी एन टी एन बराबर कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, एन बराबर 12 दिया हुआ है, समझ रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, तो हम फार्मूला लगा देंगे टी एन बराबर क्या पढ़े हैं, टी एन बराबर पढ़े हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना पढ़े हैं, यानी टी 12 बराबर बोल सकते हैं, टी 12 बराबर से ए कितना है, ए पहला पद दिया हुआ है कितना 8 है, प्लस एन कितना है 12 रहा है, 12 माइनस ए का डी कितना कॉमन डिफरेंस है 3 का है, ये समझ में आ गया, 8 प्लस घट के कितना हो गया 11, 11 दिया के 33 यानी कितना हो गया 41 हो जाएगा ना, 41 आंसर हो जाएगा, यानी हमको पूरा विश्वास है कि अब दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं हुआ होगा, इतना समझ गए, इतना समझ गए तो कल से लेकर आते हैं वीडियो अगला, इसका नेक्स्ट अगर देखेंगे अच्छा रिस्पॉन्स है तो अगला वीडियो लेकर आएंगे, अगर देखते हैं अच्छा रिस्पॉन्स है कि लगता है कि समझ में आता है कॉमेंट पक्का करिएगा, लाइव में तो वो कॉमेंट बना कर देते हैं ठीक है अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है, वहाँ तो चूंकि खुद अपना परफॉर्मेंस देते हैं, यहाँ पर हम अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर लग रहा है कि नहीं हम ये रियल में समझ रहे हैं सर तो बोलिएगा हाँ सर वीडियो आगे लाइए तो लेकर आएंगे पूरा पूरा वीडियो लेकर आएंगे, बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए इस पर हम लोग आज से प्रयास करना स्टार्ट कर देंगे, तो अगर लगता है कि नहीं सर सीरीज सही है हम समझ रहे हैं और आने वाले एग्जाम में हमारा हेल्पफुल होगा तो पक्का लेकर आएंगे, कॉमेंट पक्का करिएगा कि हाँ सर सही है, और पक्का आपसे रिक्वेस्ट भी है कि शेयर कर दीजिएगा, जितने बच्चे जुड़ेंगे उतने हमको पढ़ाने में मन लगता है, क्योंकि टीचर क्या होता है गधा होता है, गधा के वजन पे पीठ पे जितने वजन दीजिएगा उतना मुड़ी गोद के मंजिल पर पहुँच जाता है, गधा पर एक दो ईंटा रखे तो उधार मार देता है, जान ही रहे टीचर में गधा का गुण होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैंने गधा का गुण विकसित किए हैं, तो अगर आपको लगता है कि नहीं रियल सही सर बोल रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा, अगर लगता है कि बकवास किया है तो डिसलाइक करके भी बोल सकते हैं कि सर आप बेकार फालतू करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।